मैं एक अंतरिक्ष सूट में एक समय यात्री हूँ और आज मैं एक ऐसे ग्रह पर पहुँचा जहाँ प्राणी बहुत दयालु थे। उन्होंने मेरे साथ ईसप की एक दिलचस्प कहानी साझा की। कहानी एक किसान और एक सांप की है। जाड़े के एक दिन किसान को बर्फ में एक जमा हुआ सांप मिला। उसे सांप पर तरस आया और उसे गर्म करने के लिए घर ले आया। जब सांप ने अपने शरीर का तापमान वापस पा लिया तो वह अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आया और किसान को काट लिया, जिससे उसे घातक नुकसान हुआ। मरने से पहले किसान ने पछताते हुए कहा, मुझे पता होना चाहिए था कि एक दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। मुझे इस सांप पर दया आई और मैंने इसे शरण दी, लेकिन आखिरकार कीमत चुकानी पड़ी। इस कहानी को सुनने के बाद मैंने इससे जो सीख दी उसे गहराई से समझा। किसान की तरह हम कभी कभी कुछ लोगों के प्रति अच्छे इरादे रखते हैं और मदद की पेशकश करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बुरे स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। जैसा कि ईसप की कहानी हमें सिखाती है, हम उन लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकते हैं जिनकी दुर्भावनापूर्ण मंशा है और जो खुद को खतरे में नहीं डाल सकते। हमारे समय यात्रा में हम सभी प्रकार के लोगों और चीजों का सामना करेंगे। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम उन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं जो बहुत कमजोर और मदद की जरूरत में दिखते हैं, तो हमें सतर्क रहना चाहिए और आसानी से उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम समय यात्रियों के लिए सतर्क और बुद्धिमान होना एक महत्वपूर्ण गुण है। देखने के लिए धन्यवाद। मैं एक अंतरिक्ष सूट में एक समय यात्री हूँ और मैं आपको अगली कहानी में फिर से देखने की उम्मीद करता हूँ।